अजमेर के क्रिश्चनगंज थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक युवती को गुमराह कर उसको मैसेज भेजा और बैंक डिटेल की जानकारी लेते हुए 198,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्रिश्चनगंज थाने के हरिबा उपाध्याय नगर में रहने वाली अंशुल भार्गव ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि मोबाइल नंबर से उसके पास SMS आया, जिससे एक लिंक भी था जिसे उन्होंने क्लिक किया तो OTP मांगा गया और कुछ देर बाद उन्हें गलत लगा तो उन्होंने बैंक को सूचित कर अकाउंट फ्रीज करवा दिया। पीड़ित ने बताया कि कुछ समय बाद उसे अकाउंट फ्रीज का SMS आया था। इसके बाद भी उनके अकाउंट से 198,000 अकाउंट से निकाल लिए गए। इस SMS को लेकर उसने जानकारी जुटाना चाहा तो ऑनलाइन ठगी की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं AC बस की व्यवस्था के साथ RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया आगरा गेट अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। के अंशुल भार्गव नाम की महिला है, जिसने कल दिनांक 29/2/2024 को थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे मोबाइल पर एक लिंक आया, जिस लिंक को मैंने क्लिक किया तो उसी दौरान मेरे एक्सिस बैंक के खाते से 199,000 रुपये निकल गए। उसके बाद में उसने 19/30 पर भी कंप्लेंट करी और उसके बाद अपने परिजन के साथ थाने पर उपस्थित आई, जिस पर फ्रॉड में धारा 420 में प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है। ये अंशुल भार्गव है, जो हरिबा उपाध्याय नगर की रहने वाली है। कैश 199,000।